वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिशनल काव्य। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक नया लुक, और इस साड़ी को हम बोल सकते हैं मरमेड साड़ी ड्रैपिंग। एंड ये ना बहुत ही सिंपल सा लुक है, जैसे हम सीधे पल्लू की साड़ी ड्रैप करते हैं, बस हमें क्या करना होता है, पल्लू थोड़ा लंबा करना होता है और इसको घुमा के दूसरी साइड में टक करना होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मरमेड साड़ी कैसे ड्रैप करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर रेड कलर की साड़ी को मैंने वियर किया है मरमेड स्टाइल में, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही प्यारा सा लगता है इसका लुक। तो इसको ना राइट साइड से हम अपने कमर के हिस्से में अपने हिसाब से, अपनी लंबाई के हिसाब से एडजस्ट करके ऊँचा ना नीचा बराबर करके इसको टक कर लेंगे, और इसको पीछे से घुमा के ले जाके हमें ध्यान रखना है पीछे से ना ज़रा सा भी लूज़ नहीं होना चाहिए, हमें ना थोड़ा सा खींच के हमें टक करना होता है। अगर थोड़ा सा लूज़ रह जाएगा ना तो वो फिर साड़ी ना लूज़ हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी फिर। एंड अभी हम बनाना शुरू करेंगे प्लेट्स। प्लेट्स का हमें ध्यान रखना होगा, प्लेट्स हम जितना हमारे हाथ में कपड़ा आएगा हम उतने ही चौड़ी प्लेट्स बनाएंगे, ज़्यादा छोटी प्लेट्स हमें नहीं बनानी है, चौड़ी प्लेट्स अच्छी लगती हैं साड़ी में। तो यहाँ पे प्लेट्स को बना के मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ, और प्लेट्स को ना अपने हाथों से ही सेट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई साड़ी का कपड़ा ऐसा होता है जो हाथ से सेट नहीं होती है, तो उसको ना आप हेयर स्ट्रेटनर जो होता है उसका भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरी साड़ी का कपड़ा है वो बहुत ही ना लाइट वेट है और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, सॉफ्ट वाला। तो ये ना इसको ना मैंने प्रेस कर लिया है अपने हाथ से ही। अगर इसको ना हम प्लेट्स बना के एक बार झाड़ देंगे ना ऊपर से पकड़ के, तो प्लेट्स जो है एकदम सीक्वेंस में आ जाती हैं और प्लेट्स हमारी दिखने लगती हैं। तो यहाँ पर मैं बना ली हूँ प्लेट्स। प्लेट्स को मैंने सेट कर लिया है, और हमें इस बात का ध्यान रखना है जो अंदर वाली प्लेट्स होती हैं वो हमारी ना बाहर वाली प्लेट्स के ऊपर ही रहें, थोड़ा बाहर उससे नीचे ना रहें, क्योंकि अगर नीचे रहेंगे तो नीचे से वो हमारी प्लेट्स दिखने लगेंगी। तो इस बात का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने ना इसको अपने कमर के हिस्से में इसको टक कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको वेयर किया है। तो अभी हम बनाते हैं प्लेट्स। प्लेट्स मैंने ना पहले ही बना के रखी हुई थी, क्योंकि ना साड़ी मैंने वेयर की हुई थी तो दूसरे स्टाइल में, तो मैंने सोचा ना चलो ये वाला स्टाइल भी आपको वेयर करके बता देती हूँ। तो इसका ना मैं फुल ट्यूटोरियल लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कैसे साड़ी को ड्रैप करना है बस। लेकिन इस वाली वीडियो में भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स को एडजस्ट कर लिया है। पल्ला जो है हमें थोड़ा लंबा ही रखना होगा, क्योंकि हमें दूसरी साइड से इसको घुमा के टक करना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सीधे कंधे पे ना, जो राइट साइड का कंधा है उस पर मैंने रखा है पल्ले को, और दूसरी तरफ घुमा के मैंने इसको अपने कमर वाले हिस्से में आगे सेंटर पॉइंट पे मैंने इसको टक कर लिया है। और जो प्लेट्स हैं इसको मैंने हाथ से एडजस्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप पिन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पिन लगा ली है, क्योंकि ना मैं तो हर साड़ी में हमेशा यहाँ पे पिन का यूज़ करती हूँ। इससे ना पिन लगाने से क्या होता है ना, हमारी साड़ी बिल्कुल भी खिसकती नहीं है, और जो हमारी प्लेट्स होती है ना वो एक ही जगह एडजस्ट रहती हैं। सो यहाँ पर मैंने पिन का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, और ये पिन को लगा के मैंने इसको जो कोने वाला हिस्सा है इसको मैंने टक कर लिया है ऐसे ही। अगर आप चाहें तो इसे भी पिन के सहारे रोक सकती हैं, लेकिन ना यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही आपको लगा के दिखा दिया है। एंड देन अभी हम सेट कर लेंगे इन प्लेट्स को। प्लेट्स को आप चाहें तो ना पतला भी कर सकती हैं, यहाँ से इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे भी पिन लगा सकती हैं। तो ये ना बहुत ही सिंपल तरीका है साड़ी ड्रैप करने का, तो इसका ट्यूटोरियल बहुत ही जल्दी लेके आने वाली हूँ। अगर आपको और भी साड़ी स्टाइल का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन कौन सी स्टाइल का आपको साड़ी ट्यूटोरियल चाहिए, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड ये लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप चाहें तो इसमें ना बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ना मैंने बेल्ट का यूज़ अभी नहीं किया है। जब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा फुल ट्यूटोरियल इसको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें मैं बेल्ट का यूज़ करूँगी, तो आपको पूरा लगा के दिखा दूँगी। एंड इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है पीछे से भी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगी सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एंड वीडियो को बहुत सारे प्यार दीजिएगा। बाय बाय।